Hello students, today we are going to start lesson 8 and the name of lesson is how many times, कितनी बार. So इस lesson में हम कुछ exercises करेंगे. First exercise है 9.01 and we have question, find how many times. आपको find करना है कि कितनी बार. First हम देखेंगे यहाँ पे 8 plus 8 plus 8 plus 8. 8 को कितनी बार प्लस किया है? 1, 2, 3, 4. तो हम इसे शॉर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? पहले तो हम ये नंबर लिखेंगे, सेम नंबर है सारे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 और मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार? 1, 2, 3, 4. यहाँ पर हमने लिखा 4 क्योंकि ये कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स यहाँ पर 8 है. तो हम देखेंगे 8 plus 8 16 plus 8 24 plus 8 32, है ना. और अब अगर हम ऐसे लिखते हैं 8 multiplied with 4, 8 4 जा 32, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा? सेम. इसी तरह से सेकंड करेंगे. कॉमन क्या है यहाँ पर? 6. तो हमने पहले ये 6 लिख लेना है. फिर ये 6 कितनी बार है? हाउ मेनी टाइम्स देर आर 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स. सो 6 multiplied with 6, 6 6 जा 36. थर्ड कॉमन क्या है यहाँ पर? 14 कॉमन नंबर है. और कितनी बार है? 1, 2, 3. तो कितनी बार है ये? 3 टाइम्स. सो 14 3 जा 42. थर्ड है हमारे पास कॉमन है यहाँ पर 20. और कितनी बार प्लस हुआ है? 1, 2, 2 टाइम्स. सो 22 जा 40. फिफ्थ हमारे पास कॉमन है यहाँ पर 7. कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5. कितनी बार है? 5. 7 5 जा 35. सिक्स्थ है कॉमन है यहाँ पे नंबर 9. और कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5. कितनी बार है? 5 टाइम्स. 9 5 जा 45. सेवेंथ है कॉमन नंबर है यहाँ पर 10. कितनी बार प्लस हुआ है? 1, 2, 3, 4. 4 टाइम्स. 10 4 जा 40. एट है कॉमन नंबर है यहाँ पे 3. कितनी बार ऐड हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 टाइम्स. 3 6 जा 18. नाउ नाइन्थ. 9 में क्या है कॉमन नंबर? 1. और कितनी बार ऐड हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. कितने टाइम्स है? 9 टाइम्स. 1 9 जा 9. टेंथ है यहाँ पर कॉमन नंबर है 2. और कितनी बार ऐड हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5. 5 टाइम्स ऐड हुआ है. सो 2 5 जा 10. ठीक है, ये एक्सरसाइज थी हमारी, ये हमने सॉल्व कर ली. इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी जो आपको सॉल्व करनी है अपनी नोटबुक में. स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव एक्सरसाइज 9.03 एंड वी हैव क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स. आपको क्या करने हैं? ये ब्लैंक्स फिल करने हैं. तो हम यहाँ पे देखते हैं. फर्स्ट हमारे पास 8 एडेड 6 टाइम्स इज. 8 को जब हम 6 टाइम ऐड करेंगे, 8 plus 8 plus 8, कितनी बार करना है हमें ऐसे? 6 टाइम्स. तो हम शॉर्ट में इसे क्या कर सकते हैं? 8 multiplied with 6. सो 8 6 जा 48. ठीक है, ये हमने शॉर्ट में किया. 8 को जब हम 6 टाइम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 48. सेकंड है 2 एडेड डैश टाइम्स इज 20. 2 को हम कितनी बार ऐड करें कि हमारा आंसर 20 आ जाए? तो हम 2 की टेबल देख लेते हैं. 2 10 जा 20, यानी कि जब हम 2 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20. थर्ड है हमारे पास 9 9s together will make. जब 9 9 together होंगे, यानी कि 9 को 9 टाइम्स हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, साथ में मिला देंगे, तो फिर हमारे पास कितना आएगा? सो हम कर सकते हैं 9 9 जा 81. फोर्थ हमारे पास 10 added 8 times is. 10 को 8 टाइम्स ऐड करना है तो हम शॉर्ट में क्या करेंगे? 10 8 जा
एटी। फिफ्थ है हमारे पास देयर आर डैश बनानास इन सिक्स डजन। सिक्स डजन बनाना है तो एक डजन में कितने बनाना होते हैं, 12। तो सिक्स डजन में कितने हो जाएंगे, 12 मल्टीप्लाइड विद 6। सो 12 सिक्स 72। ठीक है, देयर आर 72 बनानास इन सिक्स डजन। सिक्स डजन बनाना कितने होंगे, 72। सिक्स हमारे पास सेवन फैंस विल हैव डैश विंग्स। सेवन फैंस सात पंखे, ठीक है, जो फैंस होते हैं, फैंस में कितने विंग्स होते हैं, तो मोस्टली जो एक फैन होता है उसमें कितने विंग्स होते हैं, 3। सो सेवन फैंस में कितने होंगे, 7 मल्टीप्लाइड विथ 3, तो 7 3 21। तो सेवन फैंस में कितने विंग्स हो जाएंगे, 21। सेवन्थ है हमारे पास देयर आर डैश डेज इन सेवन वीक्स। सेवन वीक्स में कितने डेज होंगे, तो वन वीक में कितने डेज होते हैं, हम सबको पता है वन वीक में सेवन डेज होते हैं, तो सेवन वीक्स में कितने डेज हो जाएंगे, 7 मल्टीप्लाइड विथ 7, 7 7 जा 49। तो सेवन वीक्स में कितने डेज हो गए, 49। एट्थ है हमारे पास देयर आर डैश मंथ्स इन फोर ईयर्स। वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12। सो फोर मंथ्स में कितने हो जाएंगे, क्या करेंगे हम, 12 मल्टीप्लाइड विद 4, 12 4 जा 48। तो फोर ईयर्स में कितने मंथ्स हो गए, 48 मंथ्स। नाउ वी हैव सेकेंड क्वेश्चन, लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, पैटर्न देखना है और फिर ये कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पैटर्न देखेंगे, पैटर्न क्या है, फर्स्ट में 287 प्लस कितना हुआ है कि 291 हो गया, तो हम आगे काउंट करेंगे 287 के बाद, 288, 289, 290, 291, कितना ऐड किया है, 4, 291 प्लस 4, 295 प्लस 4, 299, 299 प्लस 4, 303, एंड 303 प्लस 4, 307। नाउ नेक्स्ट, इसमें क्या पैटर्न था हमारे पास, 4 ऐड करना था, ठीक है। अब जो सेकंड है इसमें क्या है हमारे पास, देखेंगे 95 के साथ कितना ऐड हुआ है, 104 आ गया, तो 95 के आगे काउंट करेंगे, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, तो कितना ऐड हो रहा है, 9। तो 104 के साथ जब हम 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 113, और 113 के साथ 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 122 प्लस 9 इज इक्वल टू 131, एंड 131 प्लस 9, 140। नंबर थ्री हमारे पास 285 के साथ कितना ऐड हुआ है कि 293 हो गया, तो हम देखेंगे 285 के आगे काउंट करेंगे, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, तो कितना ऐड हुआ है यहाँ पर, 8। 293 प्लस 8, 301, 301 प्लस 8, 309, 309 plus 8, 317, 317 plus 8, 325। नेक्स्ट देखेंगे 411 के साथ कितना ऐड हुआ है, 418 हो गया, तो हम देखेंगे 411 के बाद 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, तो कितना ऐड हुआ है यहाँ पर, 7। 418 प्लस 7, 425, 425 प्लस 7, 432, 432 प्लस 7, 439, एंड 439 प्लस 7, 446। नाउ नेक्स्ट 467 के साथ कितना ऐड हुआ है कि 472 हो गया, तो हम देखेंगे 467 के आगे
468, 469, 470, 471, 472. तो कितना ऐड हुआ यहाँ पर? 5. 472 प्लस 5, 477. 477 प्लस 5, 482. 482 प्लस 5, 487. 487 प्लस 5, 492. 6. 445 के साथ कितना ऐड हुआ है? 450 हो गया. तो हम देखेंगे 445 के आगे 446, 447, 448, 449, 450. कितना ऐड हुआ है? 5. 450 प्लस 5, 455. 455 प्लस 5, 460. 460 प्लस 5, 465. 465 प्लस 5, 470. ठीक है, तो हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है. इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगी, जो आपको अपनी नोटबुक में इस एक्सरसाइज को समझने के बाद सॉल्व करनी है. स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव एक्सरसाइज 9.07 एंड वी हैव क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, आपको ये एक्सरसाइज दिख रही होगी. इसमें क्या करना है? आपको ब्लैंक्स को फिल करना है. क्या करके? मल्टीप्लाई करके. ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल जरूर आनी चाहिए. और आई होप आप सब ने 20 तक टेबल लर्न करी होगी. ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर 13 8 जा. फर्स्ट क्या है हमारे पास? 13 8 जा. तो वी ऑल नो 13 8 जा 104. नेक्स्ट हमारे पास 19 8 जा. 19 8 जा कितना होता है? 152. नेक्स्ट है 15 9 जा. 15 9 जा 135. नेक्स्ट है 16 7 जा. 16 7 जा 112. 12 4 जा 48. 19 6 जा 114. 15 5 जा 75. 12 5 जा 60. 12 6 जा 72. एंड लास्ट 19 9 जा 171. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारी बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी. अगर आपको टेबल आती है तो आप बहुत ही इजीली इसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं. इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी, वो आपको टेबल लर्न करने के बाद सॉल्व करनी है. So now we have exercise 9.10 and we have question multiplication by one digit number. ये multiplication है कैसे? One digit number से. ठीक है, यहाँ पर क्या है? 879 है. 879 आपको multiply किससे करना है? 5 से. तो ये क्या है? One digit, single digit है ना, तो ये multiplication है one digit number से. ठीक है, तो हम इसे करते हैं 5 9 जा. 5 9 जा 45. 45 का लिखेंगे 5 और कैरी 4. 5 7 जा 35. 35 प्लस 4 39. 39 का लिखेंगे 9 और कैरी 3. 5 8 जा 40. 40 प्लस 3 43. तो हो गया हमारा ये. अब नेक्स्ट करेंगे 5 5 जा. 5 5 जा 25 कैरी 2. 5 2 जा 10. 10 प्लस 2 12. 12 को लिखेंगे 2 और कैरी 1. 5 2 जा 10 प्लस 1 11. ये हो गया हमारा. नेक्स्ट करेंगे 2 7 जा 14. 14 का लिखेंगे 4 कैरी 1. 2 0 जा 0 प्लस 1
वन, टू एट जा 16, तो ये 16 आ जाएगा यहाँ पर पूरा। नेक्स्ट करेंगे सेवन थ्री जा 21, 21 का 1 और कैरी 2, 7 टू जा 14 प्लस 2 16 का आएगा 6 और कैरी 1, 7 जीरो जा 0 प्लस 1 1। नेक्स्ट करेंगे 9 8 जा 72 का लिखा 2 और कैरी 7, 9 6 जा 54 प्लस 7 61 का आएगा 1 और कैरी 6, 9 6 जा 54 प्लस 6 60। नेक्स्ट 4 8 जा 32 का आ गया 2 और कैरी 3, 4 1 जा 4 प्लस 3 7 4 0 जा 0। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ये काफी इजी एक्सरसाइज थी, वन डिजिट नंबर से सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको टेबल आनी चाहिए और आप इजीली इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी, अब वो आपको वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.12 एंड वी हैव क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन बाय टू डिजिट नंबर। प्रीवियस एक्सरसाइज क्या थी हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन बाय वन डिजिट नंबर, उसमें क्या था सिंगल डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना था, और अब हमारे पास क्या है मल्टीप्लीकेशन बाय टू डिजिट नंबर, यानी कि यहाँ पर कितनी है, दो डिजिट है जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसे करते हैं, किस तरह से करेंगे देखेंगे। जीरो है फर्स्ट, है ना, तो सिर्फ जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 50 की टेबल हमें नहीं आएगी, तो जीरो से करेंगे। 07 जा 0, 09 जा 0। आपको ध्यान रखना है आप डिजिट्स के नीचे ही डिजिट लिखेंगे, ठीक है। 06 जा 0, 08 जा 0 एंड 04 जा 0। ठीक है, अब हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो 5 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट डिजिट है हमारे पास यहाँ पर, इसमें हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। आगे अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35, 35 का लिखेंगे 5 और कैरी 3, 5 9 जा 45, 45 प्लस 3 48, 48 का आ जाएगा यहाँ पर 8 और कैरी 4, 5 6 जा 30, 30 प्लस 4 34, 34 का लिखेंगे 4 और कैरी हमारे पास 3, 5 8 जा 40, 40 प्लस 3 43, 43 का 3 और कैरी 4, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24, तो ये हम पूरा लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे ऐड कर देना है, यहाँ पर आप प्लस का साइन लगा देंगे ताकि आपको याद रहे। तो हम प्लस करेंगे, 0 प्लस क्रॉस 0, 5 प्लस 0 5, 8 प्लस 0 8, 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 0 3, 4 का 4 और 2 का 2, तो ये अभी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे, 7 2 जा 14, 14 का आ गया 4 कैरी 1, 7 0 जा 0 और 1 हमारे पास जो कैरी थी उसे यहाँ पे ऐड करेंगे 0 के साथ, तो 0 प्लस 1 1, 7 4 जा 28, 28 का लिखेंगे 8 कैरी 2, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, 16 का आ गया 6 कैरी 1, 7 6 जा 42, 42 प्लस 1 43, तो ये हम यहाँ पर पूरा लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या कहा है, जो फर्स्ट डिजिट है यहाँ पे इसके नीचे क्रॉस कर देंगे। अब हम अपना मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 का आ गया 6, 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, 12 का लिखेंगे 2 और कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 6 जा 18 और यहाँ पर 18 पूरा आ जाएगा।
और यहाँ पर एडिशन का साइन आपको ध्यान रखना है, आप एक नंबर के नीचे ही नंबर लिखेंगे ताकि आपको एडिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे क्या है, क्रॉस कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 0 8, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 3 10, 10 का 0 कैरी 1, 8 प्लस 4 12, प्लस 1 13 का 3 कैरी 1, 1 प्लस 1 2। ये हो गया हमारा सॉल्व। अब नेक्स्ट करेंगे हम 9 9 जा 81, 81 का लिखेंगे 1 कैरी 8, 9 5 जा 45, 45 प्लस 8 53, 53 का आ गया 3 कैरी 5, 9 6 जा 54, 54 प्लस 5 59, 59 का 9 कैरी 5, 9 7 जा 63, 63 प्लस 5 68, 68 का लिखेंगे 8 और कैरी 6, 9 6 जा 54, 54 प्लस 6 60। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर 60। ठीक है, अब दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पे एक क्रॉस कर देंगे, 4 9 जा 36, 36 का 6 कैरी 3, 4 5 जा 20, 20 प्लस 3 23, 23 का 3 और कैरी 2, 4 6 जा 24, 24 प्लस 2 26, 26 का 6 और कैरी 2, 4 7 जा 28 प्लस 2 30, 30 का जाएगा 0 कैरी 3, 4 6 जा 24, 24 प्लस 3 27। और हमें क्या करना है, ये ऐड करना है। अब हम इसे ऐड करेंगे, 1 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है 1, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12 का 2 कैरी 1, 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15 का 5 कैरी 1, 0 प्लस 0 0 प्लस 1 1, 7 प्लस 6 13, 13 का लिखेंगे 3 कैरी 1, 2 प्लस 1 3। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट करेंगे 1 से करेंगे पहले मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 0 जा 0 और 1 3 जा 3। नेक्स्ट नंबर से करना है हमें, यहाँ पे एक क्रॉस आ जाएगा, 5 2 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 5 5 जा 25, 25 का 5 कैरी 2, 5 0 जा 0 प्लस 2 2, 5 3 जा 15 और यहाँ पर 15 लिखेंगे पूरा, यहाँ पर एडिशन का साइन। और अब इसे ऐड कर देंगे, 2 प्लस क्रॉस कुछ नहीं है तो 2, 1 प्लस 0 1, 6 प्लस 5 11 का 1 कैरी 1, 5 प्लस 0 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 2 5, 5 के साथ कुछ नहीं ऐड करने के लिए 5 और 1 के साथ भी कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, जिस तरह से मैंने सॉल्व कराया मेरे साथ साथ इसे सॉल्व करते रहेंगे अपनी नोटबुक में ताकि आपको क्या है समझ में आ जाए, फिर इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो उसे आप सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव एक्सरसाइज 9.14 एंड वी हैव सम वर्ड प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास, हाउ मैनी डेज आर देयर इन 15 ईयर्स। आपको बताना है कि 15 ईयर्स में, 15 साल में टोटल कितने दिन होंगे। तो आप अगर वन बाय वन काउंट करते हैं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम इसे शॉर्ट में करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे, एज वी नो, जैसे कि हम सब जानते हैं, वन ईयर इक्वल्स टू, वन ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। कितने डेज होते हैं वन ईयर में, 365। सो 15 ईयर्स इज इक्वल टू, तो 15 ईयर्स में कितने डेज हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, 365
मल्टीप्लाई इट विद 15, ठीक है। तो ये टू डिजिट वाला मल्टीप्लाई आ गया, तो हम करेंगे इसे 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 6 जा 30, प्लस 2 32, कैरी 3, 5 3 जा 15, प्लस 3 18, ये आ गया 18। अब हमें दूसरी डिजिट से करना है, तो पहले हमें यहाँ पे क्रॉस करना होगा, फिर करेंगे 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3। अब इसे ऐड कर देंगे, 5 प्लस क्रॉस 5, 5 प्लस 2 7, 8 प्लus 6 14 का 4, कैरी 1, 3 प्लस 1 4, प्लस 1 5। तो कितना आ गया, कितने डेज हो गए, 5475 डेज होते हैं 15 ईयर्स में, ठीक है। 15 ईयर्स में टोटल कितने डेज हो गए, 5475। सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज ₹58। एक बुक है जिसकी कॉस्ट कितनी है, 58 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 157 सच बुक्स। आपको 157 सेम बुक्स हैं, उनकी कॉस्ट बतानी है, टोटल कॉस्ट कितनी होगी 157 बुक्स की। सॉल्यूशन करेंगे, कॉस्ट ऑफ वन बुक, वन बुक की कॉस्ट कितनी है, ₹58। सो द कॉस्ट ऑफ 157 सच बुक्स इज इक्वल टू, क्या करना होगा हमें, 157 मल्टीप्लाइड विद 58, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 7 जा 56, 56 का आएगा 6, कैरी 5, 8 5 जा 40, 40 प्लस 5 45, कैरी 4, 8 1 जा 8, प्लस 4 12। अब नेक्स्ट सेकेंड डिजिट से करना है हमें मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस, 5 7 जा 35, 35 का 5, कैरी 3, 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 28, कैरी 2, 5 1 जा 5, प्लस 2 7। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस, अभी से हम ऐड कर देंगे, 6 प्लस क्रॉस 6, 5 प्लस 5 10, 10 का 0, कैरी 1, 8 प्लस 2 10, प्लस 1 11, कैरी 1, 7 प्लस 1 8, प्लस 1 9। तो कितनी आ गई इसकी कॉस्ट, ₹9106। थर्ड वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 24 डेज। आपको बताना है कि 24 डेज में कितने आवर्स होंगे, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, एज वी नो वन डे इज इक्वल टू, जैसे कि हम सब जानते हैं एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24। सो 24 डेज इज इक्वल टू, तो 24 डेज में कितने आवर्स हो जाएंगे, 24 मल्टीप्लाइड 24, 4 4 जा 16 का 6, कैरी 1, 4 2 जा 8, प्लस 1 9। अब दूसरी डिजिट से करना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हम इसे ऐड करेंगे, 6 प्लस क्रॉस 6, 9 प्लस 8 17 का 7, कैरी 1, 4 प्लस 1 5। तो कितने आवर्स हो गए 24 डेज में, 576 आवर्स। नाउ वी हैव फोर्थ वर्ड प्रॉब्लम, देर आर 38 रैक्स इन अ लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी है जहाँ पर 38 रैक्स है, ठीक है। रैक्स क्या होते हैं, जहाँ पर हम बुक्स रखते हैं। ईच रैक कंटेन्स 259 बुक्स। वहाँ पर 38 रैक्स हैं और हर एक रैक में कितनी बुक्स हैं, टोटल 259। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी। अब आपको बताना है कि पूरी लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं फिर, ठीक है। लाइब्रेरी में 38 रैक्स हैं और एक रैक पर 259 बुक्स हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, नंबर ऑफ रैक्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कितने रैक्स हैं, 38। नंबर ऑफ बुक्स इन ईच रैक,
हर एक रैक में कितनी बुक्स हैं टोटल? 259 बुक है एक रैक पर, ठीक है। सो द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हो जाएंगी, हमें क्या करना होगा? 259 मल्टीप्लाइड विद 38, 8 9 जा 72 का आ जाएगा 2, कैरी 7, 8 5 जा 40 प्लस 7 47, कैरी 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 20। अब यहाँ पे दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस आ जाएगा, 3 9 जा 27 27 का 7 कैरी 2, 3 5 जा 15 15 प्लस 2 17 17 का 7 कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, ठीक है। अभी हम इन्हें ऐड करेंगे, 2 को किसके साथ ऐड करना है, क्रॉस कुछ नहीं है मतलब, तो 2 का 2 आ जाएगा, 7 प्लस 7 14, 14 का 4 कैरी 1, 7 प्लस 0 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 2 9, तो कितनी टोटल बुक्स आ गई वहाँ पर, 9842 बुक्स हैं उस लाइब्रेरी में, ठीक है। तो हमारे ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपको कराई है उसे आप ध्यान से समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो आपकी स्क्रीन पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको गिवन है उसे नोटबुक में सॉल्व करेंगे। सो होप आपको अच्छे से लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।